तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं आंशिक भिन्न के बारे में, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन। हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया होता है, एक भिन्न दी हुई होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है 3/2, तो ये जो 3/2 है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, अंश बटे हर के फॉर्म में है, न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के फॉर्म में। बिल्कुल करेक्ट है। अब इस फ्रैक्शन को, ये कंपोजिट फ्रैक्शन है, इसे हमें फ्रैक्शंस के रूप में तोड़कर लिखना है, यानी कि इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है फ्रैक्शन के रूप में। तो 3/2 को आप कैसे लिख सकते हो? लिख सकते हो आप इसको 1+1/2, यानी कि 3 का आधा भी वही होता है जो 1 और आधा होता है। यानी 3 का आधा क्या होता है? 1.5, और 1 और आधा, 1 और हाफ को जोड़ेंगे तो भी वो भी होता है 1.5, यानी 1, यानी 3.5। ठीक है, तो ये होता है इसको आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना। अब अगर आपको सिंपली सा ये दिया हो तो आप इसको आंशिक भिन्न के रूप में समझ गए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर संयुक्त रूप में आपको कोई फ्रैक्शन दिया जाए, संयुक्त रूप में कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है क्लास 12th का, तो इसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल मैंने ये जो आपको बताया है ये पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे आया और कैसे कैसे हम इसे करते हैं। तो किसी भी कंपोजिट फ्रैक्शन, संयुक्त फ्रैक्शन को एक या दो से अधिक टर्म्स में उसको डिवाइड करना या फिर उसको पार्ट्स में फ्रैक्शन के रूप में दर्शाना ही पार्शियल फ्रैक्शन होता है। तो आइए हम इधर 12th का एक सवाल लेते हैं और इसको हम समझेंगे, सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ पार्शियल फ्रैक्शन को सीखेंगे बड़ी ही सरलता से। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और वीडियो को एक लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा तो। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये दिया है कि 1 अपॉन में x+1 × x+2, इस पूरे फ्रैक्शन को हमें पार्शली फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। पार्शली फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न के रूप में तोड़कर रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले हम लिख देते हैं सॉल्यूशन यानी कि हल। तो अगर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि लाइट पड़ रही है, तो मैं एक और बार सॉल्यूशन में वापस से क्वेश्चन को लिख रहा हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन है 1 अपॉन में x+1 और इसके इनटू में है x+2। ये आपको पता है पहले से ही। थोड़ा सा हम जूम भी कर लेते हैं तो ये अभी इतना हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें लिखना है पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में। तो सबसे पहले हम नीचे देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्म है। देखिए लीनियर फॉर्म है, रैखिक समीकरण जैसा फॉर्म है x+1 x+2। यानी कि लीनियर का मतलब क्या होता है, यहाँ पावर 1 ही है और इन ब्रैकेटों की पावर भी 1 है, जो ब्रैकेट्स की पावर है वो भी 1 है। तो जब ऐसा आपको पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप होता है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो है ए अपॉन में जो आगे वाला जो दिया है गुणा में वो लिखना है, यानी कि x+1 प्लस लगा देना है और फिर लिखना है बी और अपॉन में पीछे वाला जो आपको फ्रैक्शन दिया है वो x+2। ठीक है, तो ये होता है पहला टाइप। पहला टाइप पार्शियल फ्रैक्शन का कैसा है कि अगर कुछ भी आपको कंपोजिट फ्रैक्शन दिया जाए उसके अपॉन में जो डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है, जैसे ये पहला है x+1 और दूसरा है फंक्शन x+2, तो ये अगर लीनियर फॉर्म में है, इनके ऊपर पावर 1 है, ठीक है, 1 पावर है, तो आपको इसे इस फॉर्म में लिख देना है सिंपली सा। जो आंसर है वो आ चुका है, बस आपको ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना है कि यहाँ पर न्यूमिनेटर में जो ए है वो क्या है और यहाँ पर न्यूमिनेटर में जो बी है वो क्या है। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका है, बस आपको ए और बी की वैल्यूज फाइंड करना है सिंपली सा। तो ये था पहला प्रकार। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है सिंपली सा, इसको हम वापस से लिख रहे हैं क्या, 1 अपॉन में x+1 और x+2 वैसा का वैसा ही, इक्वल टू भी वैसा का वैसा ही। अब देखिए आपको इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, दो फ्रैक्शन है उनके बीच में प्लस का चिन्ह आ गया है, तो आपको एलसीएम करना है, यानी इसका और इसका गुणा कर देते हैं, इनका तो गुणा हो जाएगा, x+1 का गुणा करेंगे x+2 में, हम गुणा कर नहीं रहे सिर्फ लिख रहे हैं। ठीक है, अब इनका इनका गुणा हो गया, अब इसका इसमें करते हैं ना, हम एलसीएम लेते हैं जब, अब x+2 का a में, तो हम लिख देते हैं a और ब्रैकेट में x+2। ठीक है, इसका इसमें करा तो a ब्रैकेट में x+2 प्लस वैसा का वैसा ही, फिर b ब्रैकेट में x+1, और सिंपली सा हमारा हो चुका है। अब हमने ये सब क्यों किया, इसके पीछे भी एक कहानी है। ये जो x+1 x+2 डिवाइड में लिखे हैं वो अगर इधर आ जाए इक्वल टू के इधर, तो यहाँ पर इनटू में लिखाएंगे और इससे कट जाएंगे। तो सिंपली सा हमें करना क्या है, इससे
ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इक्वल टू में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और सिंपली सा क्या बचेगा आपके पास, इधर बचेगा 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब आपको सिंपली सा करना कुछ भी नहीं है, आपको ए का अंदर गुणा कर देना है और बी का भी अंदर गुणा कर देना है, 1 वैसा का वैसा ही, ए का गुणा एक्स में करेंगे तो आ जाएगा ए एक्स प्लस ए का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस ए का गुणा अंदर जितने भी नंबर से उनमें होगा, तो ए का एक्स में हुआ तो ए एक्स, फिर ए का 2 में हुआ तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस बी का एक्स में हुआ तो कितना आ गया बी एक्स, प्लस बी का एक में करेंगे तो बी एक कम बी आ जाएगा, मतलब बी का बी ही। अब आपको करना क्या है कि एक्स के कोफिशियंट और जो नॉर्मल नंबर है उनके कोफिशियंट, यानी कि एक्स के गुणांक और अचर जो है आपके जिनके पास एक्स है ही नहीं, जैसे अचर कौन हो गया 2a और b, इनके गुणांकों की तुलना करनी है। तो करते हैं, एक्स के गुणांक की तुलना, अब ये जो इक्वेशन आ गया ना इसमें एक्स के गुणांक की तुलना कर दो, कैसे, इस साइड और इस साइड एक्स अगर है तो उनके गुणांक में जो जो चीजें लिखी है उनको इक्विलेंट यानी इक्वलिटी को हमें दर्शा देना है, कैसे, जैसे यहां पर इधर देखिए 1 के पास में कहीं पर भी एक्स है ही नहीं, तो यहां पर एक्स का गुणांक क्या मानेंगे 0, क्योंकि इस 1 के पास तो एक्स है ही नहीं। पहला हमारा इक्वेशन बनेगा 0 इज इक्वल टू, यहां पर देखिए अब इस साइड क्या है एक्स के गुणा में ए है तो ए आ जाएगा, ठीक है, हमें एक्स के गुणांकों की तुलना करनी है ना, तो इधर एक्स का गुणांक नहीं था तो 0 लिख दिया, इधर एक्स का गुणांक ए है तो यहाँ ए आ गया, प्लस इसके पास एक्स नहीं है तो ये भी 0 है पूरा, इसको हटा दो, इसके पास एक्स है तो ये हो गया बी, और इधर भी एक्स नहीं है तो ये भी 0। तो देखिए यहां से हमें एक चीज पता चली कि 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो यहां से अगर हम इस ए को उधर ले गए तो ये हो जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू बी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि b की वैल्यू है ना वो a की वैल्यू के बराबर है लेकिन वो नेगेटिव है, a की वैल्यू तो है लेकिन नेगेटिव में है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक तो हो गया हमारा, अब हम करेंगे अचरों की तुलना, यानी जिनके पास x नहीं है उनकी तुलना करेंगे, तो अचरों के गुणांक की तुलना, अचर कौन कौन से, जिनके पास x है ही नहीं, तो यहां पर देखिए एक अचर ये रहा एक, तो इसको लिख दिया ए बराबर, यहाँ पर अचर क्या है ये एक्स के पास में जो है ये अचर नहीं है, ठीक है, एक्स वाले तो अचर है ही नहीं, तो जिनके पास एक्स नहीं है वो अचर है, तो यहाँ पर 2a हो गया आपका, प्लस ये भी नहीं है क्योंकि इसके पास भी एक्स है, तो ये रहा आपका b, जो b को ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है तो अचर हो गया ये भी। अब यहाँ से एक और वैल्यू निकलेगी क्या, हम यहाँ से क्या करेंगे फिर से a और b को जो है, देखिए यहाँ पर क्या है b की वैल्यू क्या है माइनस ए है, तो यहाँ b की वैल्यू हम माइनस ए पुट कर देते हैं, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दें, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से हम b की वैल्यू माइनस ए रख देते हैं, b की वैल्यू माइनस ए, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2a, और b की वैल्यू माइनस ए रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए, तो 2a में से a गया तो सिंगल a बचेगा, यानी 1 की वैल्यू आ गई 1 इज इक्वल टू 2a में से a गया तो बचा a, तो यानी a की वैल्यू है 1, और अगर a की वैल्यू 1 है तो इक्वेशन 1 में देखो अगर ये a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू b, ठीक है, यहाँ पर हमने करा कुछ नहीं a की जगह 1 रख दिया है सिंपली सा, ठीक है, यहाँ पर हमने करा कुछ नहीं a की जगह पर 1 रख दिया, तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू माइनस 1, तो आपका जो आंसर है ना वो आ चुका है, क्या आप नीचे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आंसर इधर ही लिख दे रहा हूँ, तो जो आपका आंसर है ना वो इस फॉर्म में आएगा, तो a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 2, तो आपको a और b की वैल्यू पता चल गई, तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए आंसर आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया a अपॉन में x प्लस 1, a की वैल्यू क्या है भैया, a की वैल्यू है आपकी 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 अपॉन में x प्लस 1, और b की वैल्यू जो है माइनस में है, क्या माइनस 1 है b की वैल्यू, तो यहाँ पर बीच में माइनस लग जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में x प्लस 2, तो यही आपका आंसर है पार्शियल फ्रैक्शन इसका, किसका 1 अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2, इसका पार्शियल फ्रैक्शन है 1 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो देख के आप सारा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, क्वेश्चन देख के आप सॉल्यूशन करना भी सीख गए होंगे,
तो बोर्ड काफी छोटा है इसलिए सॉल्यूशन बताने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ, लेकिन आपको मैंने वीडियो के माध्यम से पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हम जब भी ऐसे टिप्स ट्रिप सॉल्यूशंस लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्यार भरा एक कमेंट भी लिखी देना अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो थैंक यू सो मच।